हेलो मेरे भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आए हो सब लोग भाई? अच्छे होंगे भाई। तो भाई मैं जा रहा था भाई स्टेडियम और मैं खेला था भाई क्लचर के साथ। और एक बात आप लोगों को भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो बतानी है भाई, आज ना भाई मैं बहुत हाई एमएस में खेला था और इसलिए भाई मैंने अपने टीममेट को बोल दिया कि भाई 200 अब एमएस में मैं खेल रहा हूँ। भाई खेलने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन तो भाई तब भी खेलने भाई आप लोगों के लिए सिर्फ भाई को गेम प्ले भाई बना के आप लोगों को रेगुलर देना है, जो मैंने कहा है बहुत पहले ही। भले भाई मैं वॉइस ओवर ना कर पाऊँ, लेकिन मॉन्टेज टाइप वीडियोज ही बना के भी दे सकता हूँ। लेकिन भाई ये मैंने सिर्फ ऐसे ही खेला है भाई, मतलब नॉर्मली मैंने कहा अगर बन जाएगा तो डाल देंगे वॉइस ओवर। फिलहाल तो आप लोगों ने भाई एमएस देख ही लिया होगा, 252 का एमएस आ रहा था। फिलहाल भाई स्टेडियम लैंड करता, लेकिन हॉट ड्रॉप वगैरह नहीं होता भाई। मुझे लगा हॉट ड्रॉप होगा और मैं मारा जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल अभी देखना भाई मेरे, जैसे मैं शॉटगन की एमो लेता हूँ भाई, जितनी देर में ये मेरा मतलब ये कैरेक्टर भाई मतलब ऐसे ऐसा हुआ, और जैसे मेरा टीममेट मतलब इसको नॉक करता है, आप देखना भाई मेरे टीममेट की भाई मतलब तफरी हो रही मस्तीबाजी। हेलो बच्चों, क्या हाल है? भाई टीममेट की मस्तीबाजी आप लोगों ने सुनी होगी। फिलहाल तो भाई हम लोग थाटिक साइड में आया, तो यहाँ पर भाई ड्रॉप वगैरह गिरा हुआ था, तो हम लोग भाई बस इतना वेट कर रहे थे भाई कि बंदे आए ड्रॉप लूटने और हम लोग भाई आराम से उन लोगों को मार दें। फिलहाल तो भाई मैं थोड़ी देर में देखा करता हूँ भाई थाटिक में, क्योंकि भाई थाटिक में यहाँ हॉट ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन भाई यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। हमें लगा भाई कैंप वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं भाई। फिलहाल तो भाई थोड़ी देर में देखता हूँ और देखने में मेरी टीम भाई मार्क कर देता भाई कि बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, और मुझे लगा नहीं आए होंगे। फिलहाल तो भाई चेक कर लेते हैं एक बार, और ये ग्रीज पता नहीं भैया कि हमें कैसा है। फिलहाल तो भाई मैं स्कैल से देखता हूँ, और बग्घी वहाँ पे खड़ी हुई मिलती है, लेकिन भाई कोई फ़ायदा ही नहीं जब बंदा जा चुका है पहले ड्रॉप लूटने। तब तक भाई ये बॉट आ जाता है, मैं इस बॉट को जैसे ही मारता हूँ अभी आप लोगों को भाई सामने से एक यूएस आ चली जाएगी। दिख गई होगी भाई, और मैंने इस पर भी दिया, लेकिन भाई कुछ नहीं होता। तब तक भाई इसका सेकंड बंदा आ जाता है, और अब देखना भाई ये मेरे पास रश करने आता है, भाई इसके पास एस्ट्रल की होती है। भाई एमएस बहुत हाई है यहाँ, तो भाई 284 का हो गया था, तो मुझे इतना पता था भाई इससे फाइट लेना क्लोज में बहुत मतलब डेंजरस हो सकता है। तो मैं पीछे साइड में आता हूँ, नेट कुक कर लेता हूँ भाई, काश नेट से नॉक हो जाए, और देखना भाई एंड टाइम पे देखना भाई ये क्या ही करेगा। भाई नेट्स मतलब थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, तो मैं ये सोचता हूँ भाई कि अब मतलब पुश करते ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन मैं डर रहा था भाई इसके पास भाई एस्ट्रल के थी, वरना ये क्लोज में मेरे आता, क्योंकि भाई इतना मुझे डैमेज दे दिया था ये। और भाई जिसका डर था ना भाई वही गन निकली। फिलहाल तो भाई कैसे करके भाई मैं इसको मार देता हूँ, और जैसे भाई इसको मारता हूँ यहाँ पर तुरंत भाई सेकंड वो आ जाती है, और भाई उसके पास भी एस्ट्रल के होता भाई, मतलब क्या बताएं भाई, अभी एक को मारा नहीं भाई एक तुरंत आ गई, वो भी एस्ट्रल के लेके, ये तो भाई मतलब अलग ही सीन है। फिलहाल तो भाई मैं अपनी हल्की लगा रहा होता हूँ, मेरे टीम में भाई अकेले दो बंदों से भाई लड़ रहा होता है। जैसे मेरी हेल्थ किट लगती है बाहर साइड में आता हूँ, मैं टीममेट अंदर आता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो भाई साथ में कवर ओवर खेलेंगे, क्योंकि भाई मुझे पता है स्टॉल के इनके पास। फिलहाल तो मैं टीममेट नॉक कर देता हूँ, मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ, और अब देखना भाई इसका सेकंड टीममेट, मेरा टीममेट उलझा देता है, और तब तक मैं इसको मार देता हूँ भाई। इस प्रकार भाई यहाँ से मतलब ये भी डुबोमा आई जाती है, तो भाई थोड़ी मैं इनकी पेटी वगैरह लूट लेता हूँ, और पेटी वगैरह लूट के भाई मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन ये आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन मैंने भाई स्टॉल के नहीं उठाई। फिलहाल तो मैं टीममेट मार्क कर रहा था कि आगे बंदे आ जाते हैं, और भाई मुझे समझ में आया था कि सारी मतलब फाइट का थाटिल में ही होनी है। फिलहाल तो भाई इस बंदे को देखते हैं, और ज़्यादा भाई आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को अगर ज़्यादा कुछ दिखाते ना तो आप लोग भाई बोर होने लगते, क्योंकि यहाँ आप लोग मानोगे नहीं भाई, यहाँ मुझे भाई इन बंदों को मारने में भाई पूरे 4 मिनट लग गए थे भाई, और इन बंदों के पास भी एस्ट्रल की होती है। फिलहाल तो भाई देखना भाई यहाँ पर क्या ही सीन होगा मेरे साथ। भाई आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई, क्या कर सकते हैं भाई। तो फिलहाल भाई छोड़ते हैं भाई, तब तक भाई मेरा टीममेट भाई उसको मतलब नॉक कर देता है, और मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भाई तू एस्ट्रल के उठा ले भाई। और अब देखना भाई आप लोग कमेंट बताना कि ये बंदा भाई कितनी गोली का होगा, इतना मारने के बाद अगर बंदा भाई हाथ से निकल जाना तब तो भाई बात अलग। मैं मानता हूँ भाई मैं भी भाई थोड़ा 3.5 HP था, लेकिन तब भी भाई यार मैं मार देता, मुझे इतना अपने पे कॉन्फिडेंस है। फिलहाल तो भाई मैं ऊपर साइड में आता हूँ, यहाँ थोड़ा हल्के लगा लेता हूँ, मुझे इतना पता होता कि भाई हल्के लगा के ऊपर पुश करना ही जरूरी है, फिर नीचे साइड में आता हूँ, फिर ऊपर साइड में जाता हूँ भाई, मतलब अलग ही सीन हो रहा था भाई, कुछ समझ में नहीं आता बस भाई भाई इधर से उधर भाई मैं बस खाली दौड़ रहा था कूद रहा था। तब तक भाई मेरा टीममेट भाई फिर से उस बंदे को नॉक कर देता है, और मुझे इतना पता होता भाई कि अब ये नॉक हुआ तो इसका टीममेट जरूर यहीं कहीं होगा, तो फिर मैं ऊपर जाता हूँ, और मेरा टीममेट बोलता है रिवाइव हो गया अब तू आके मार, लेकिन भाई एस्ट्रल के थी, और एस्ट्रल के सामने भाई मतलब फ़ाइट लेना बहुत दिक्कत हो रही थी भाई, क्योंकि फ़ोन भी बहुत लैग कर रहा था भाई, ऊपर से एमएस भाई बहुत हाई था। फिलहाल तो इसका बंदा यहाँ आ जाता भाई,
और अब देखना भाई इसको मैं कैसे मारूंगा। भाई इतना देर लग जाती है भाई इन सब बंदों को मारने में। फिलहाल तो भाई मैं इसकी पेटी वगैरह लूट के भाई यहाँ से भाई निकल जाता हूँ, और निकलने से पहले भाई तक ये बॉड स्पॉट हो जाता है, और जैसे बॉड स्पॉट होता है उसके पीछे डासिया भी लट करके स्पॉट हो जाती है। तब तो मैं अपने टीममेट को मार्क भी कर देता हूँ कि भाई यहाँ बंदे हैं, और हम लोग भाई डासिया लेके जैसे आते हैं, और आप लोगों को देखने के लिए फनी सीन कुछ मिलेंगे भाई, अब ये देख लीजिएगा आप लोग। अगर भाई ये लोग आरपीजी गाड़ी बैठ करना चलाते हैं, अगर ये लोग मतलब भाई गाड़ी से उतर के आरपीजी चलाते हैं, तो इतना हमें पता था कि हम लोगों का भाई काम तमाम था। फिलहाल तो भाई आज की गेम प्ले भाई इतना ही था। आई होप भाई आप लोगों को गेम प्ले भाई अच्छा लगा होगा। तो भाई प्लीज़ जिन भाइयों को भाई ये गेम प्ले अच्छा लगा हो, प्लीज़ भाई यार मेरे वीडियो पूरा देखना, और आप लोग अभी भी देख सकते हो भाई मेरा MS कितना आ रहा है। बस आप लोगों की खुशी के लिए भाई मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, वरना इतने MS में भाई वीडियो बनाना भाई नामुमकिन सा होता है। फिलहाल तो भाई आज की गेम प्ले में भाई यही था, और आप लोग देखा ना भाई आरपीजी वाले को भाई मैंने इसलिए भाई ये क्लिप नहीं हटाई क्योंकि अब आप लोगों को दिखाना था। सो भाई मैं आप लोगों से मिलता हूँ भाई कल, तब तक के लिए बाय बाय।